कल रात में देर से अवंती पुलिस को इत्तला मिला था कि त्रिंगल पामपोर में दो टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया, फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया, क्योंकि बिल्डिंग जो है कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है, उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ निकल हटा रहे हम लोग, अभी भी अंदर से फायर आया है, ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? दो टेररिस्ट हैं जिसमें एक उमर खांडे जो है जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था बागत में जो हमारे दो पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है उमर मुश्ताक खांडे पंपोड़ का ही है, वो भी इन्वॉल्व उसमें है। तो अभी आपको लगता है द सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल सर? बिल्कुल, अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें दो सिटी का भी है, दो भी फंसा, अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। सर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज बैक टू बैक इनकाउंटर्स यहाँ पर हो रहे हैं आफ्टर सिविलियन किलिंग्स, तो आपको लगता है कि सो मेनी लीडर्स आर यू नो रेज क्वेश्चंस ऑन पुलिस की यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई लेफ्ट नहीं हुआ है, कुछ लेफ्ट नहीं हुआ है, जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था, हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें दो को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इससे इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है ये लोग, हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी आबादी है, एक एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रहेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं, कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबरेटर था ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था, तो कोरोबरेटर वही होगा जो साथ देता है। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है ये 5ों मिल के काम करता था अटैक करने में, तो बाकी लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा।